देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। कुछ लोगों का जन्म संघर्षों के अग्निपथ पर चलकर आंदोलनों के लिए होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय वीडी जुगलाल के पुत्र विनोद का शुमार यूं तो ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के पर्यावरण में विद के रूप में होता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि अनेकों आंदोलनों में रही उनकी सक्रियता के बूते समूचे उत्तराखंड में उनकी छवि एक ऐसे आंदोलनकारी के रूप में विगत कुछ वर्षों से उभर कर सामने आई है, जो कि शासन प्रशासन के साथ साथ लोगों के हक, जन संघर्षों, जन भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं के लिए सरकार के साथ भी आर पार की लड़ाई लड़ने में नहीं हिचकिचाता, फिर चाहे उसके लिए उन्हें आमरण अनशन जैसा कदम ही क्यों न उठाना पड़े। वर्ष 2015 में सरकार की भांग की खेती के प्रावधान को खत्म करने के लिए गोपेश्वर से देहरादून तक 13 दिन की पद यात्रा पर सुर्खियों में आए जुगलान का संघर्ष उस आंदोलन के बाद लगातार बढ़ता चला गया। उल्लेखनीय यह भी है कि 80 के दशक में मुंबई की एक ऑटो लैंप्स इंडस्ट्री में बाल श्रमिक के रूप में उन्होंने कार्य किया था, लेकिन कुछ खास करने की ललक ने पढ़ने को विवश किया। वर्ष 1987 में उन हाई स्कूल की परीक्षा पंजाब सिंध क्षेत्र इंटर कॉलेज के व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण कर उन्होंने IDP एल इंटर कॉलेज से इंटर पास किया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों से लेकर राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और लेखन कार्य करते रहे। इसके बाद विश्व विख्यात हीरो ग्रुप की रॉकमैन इंडस्ट्री लुधियाना में 90 के दशक में उत्पादन पर्यवेक्षक के कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने सेंटर टूल रूम लुधियाना में ऑन द जॉब प्रशिक्षण लेकर दुपहिया वाहन उद्योग और पुर्जे बनाने वाली विश्व की नंबर वन कंपनी निक्स इंडिया टूल्स में पार्ट ऑफ टॉप मैनेजर के रूप में प्रबंधक का कार्य किया। 2012 में स्वेच्छा से सेवानुमति लेकर अपने राज्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित सामाजिक कार्य करने का निर्णय लिया। टिहरी गढ़वाल में स्टोन क्रशर के खिलाफ आंदोलन के बाद से उनकी पहचान एक सशक्त पर्यावरणविद के रूप में उभर कर सामने आई। इसे महज एक सहयोगी कहेंगे कि उन्होंने जिन जिन कंपनियों में कार्य किया वे विश्व की नंबर वन कंपनियां थी। साथ ही समय समय पर जिन जिन आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया उस सभी मांगों को सरकार को देर सवेर मानना पड़ा। जुगलान का कहना है कि जनता के हितों के लिए संघर्ष करना ही अब जीवन का उद्देश्य है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।